हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं हरबीर सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो साथियों, अगर आपने एसएससी में फॉर्म फिल किए हैं तो आप जरूर इस वीडियो का वेट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज मेरिट लगने वाली थी, और मेरिट किस हिसाब से लगी है, कितने कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। और साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। तो अभी बात करते हैं हम एसएससी की जो मेरिट बनी है वो कैसे बनी है, किस अकॉर्डिंग बनी है। तो इसके लिए सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाला है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको इस टाइप की चीज़ें दिखाई देंगी। तो अपनी मेरिट देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट था, जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट फिल किया था। इसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी, आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, और इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है। हालांकि जेंडर इसमें मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है, कंबाइंड है। अगर आप इस पे सबमिट करेंगे तो आगे आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा। तो ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का पेज ओपन हुआ अभी। ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। हालांकि सभी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, तो इसमें 8 वैकेंसी है। अब क्वेश्चन आता है कि कितने कैंडिडेट्स वहां पे जाएंगे, तो वैकेंसी के 3 गुना कैंडिडेट्स वहां पे जाएंगे। तो आपको चेक कैसे करना है, इस लिस्ट में नॉर्थ में कितनी वैकेंसी थी, 8, तो आपको ऊपर वाले 24 कैंडिडेट्स देखने हैं। अगर उनमें आपका नाम है तो आप सिलेक्टेड हैं, अदरवाइज आप सिलेक्टेड नहीं है। मतलब ऊपर वाले जो 24 कैंडिडेट्स हैं वो आपको देखने हैं, मतलब स्टार्टिंग के 24 कैंडिडेट्स, अगर आप उनमें हैं तो आप जा सकते हैं। मतलब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा। तो ये क्या है कि वैकेंसी के अकॉर्डिंग है कि कितनी वैकेंसी है। अब मैं दिखा देता हूं आपको, क्योंकि आप लोगों के माइंड में जरूरी ये क्वेश्चन होगा कि वैकेंसी किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी है। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैच करने के बाद आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं आराम से। ईस्ट में 21 वैकेंसीज हैं, नॉर्थ ईस्ट में 26 हैं, नॉर्थ में 8 हैं, नॉर्थ वेस्ट में ए है, जो नॉर्थ वेस्ट ए इसमें 2 वैकेंसीज हैं, नॉर्थ वेस्ट बी में 14 है, वेस्ट ए में 3 हैं, वेस्ट बी में 12 हैं, साउथ वेस्ट ए में 2 हैं, साउथ वेस्ट बी में 3 हैं, 3, साउथ में 17 हैं, और जो सेंट्रल हैं उसमें 7 हैं। इस हिसाब से टोटल वैकेंसीज हो गई 115, मतलब 115, 115। तो इसमें क्या है साथियों, आपको क्या करना है, जितनी वैकेंसीज दे रखी हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में जितनी वैकेंसी है जिसमें आपने फॉर्म फिल किया है, तो उसके 3 गुना देखने हैं आपको कैंडिडेट्स। अगर वैकेंसी 5 है तो आपको 15 देखने टॉप लिस्ट में, टॉप 15 में अगर आप हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और बता देता हूं 3 गुना तो वहां पे बुलाए गए हैं, मुझे लगता है कि कोई एक आधा ही मिलेगा, जो मतलब वैकेंसी मान के चलो 6 वैकेंसी है, 18 बुला लिया उन्होंने, तो मेरे हिसाब से 6 में से कोई एक आध ही मिलेगा बाई चांस, जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे। तो ये मान के चलो अगर कोई 7वें नंबर पे है या 8वें पे है तो उनके थोड़े चांसेस हैं, नहीं तो 6 वैकेंसीज हैं तो 6 वही मिलेंगे जो वैलिड होंगे जहां तक है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपके क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, जिन्हें मैं सभी कमेंट्स के आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।